हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये निटिंग स्टिच पैटर्न। ये हनी कोम, अगर निटिंग स्टिच पैटर्न आपने कभी देखा हो तो उसका मिनी वर्जन है, छोटा शेप है उसका। तो आज हम देखेंगे कि ये नेट स्टिच पैटर्न कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले घर कास्ट ऑन कर लेने हैं सिलाई पे, मल्टीपल ऑफ 4+2। दो घर जो होंगे वो एक स्टिच होंगे, मल्टीपल ऑफ 4+2 स्टिचेस। चार चार के हिसाब से आपने घर डालने हैं और आखिर में आपने प्लस दो स्टिचेस, दो घर कास्ट ऑन करने हैं। चार, फिर से चार, मल्टीपल ऑफ 4+2। जितनी दफ़ा भी आपने चार घर चार चार के हिसाब से डालने हैं आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में आखिर में आपने दो ऐड करने हैं। दो चार, दो चार, दो चार, और हम आखिर में टू स्टिचेस, दो घर कास्ट ऑन करेंगे, मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ 4+2 जिसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए जस्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 घर कास्ट ऑन किए हैं। आप मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से जितने भी घर कास्ट ऑन करना चाहें आप कर सकते हैं। रो नंबर 1 हमारी जो कि राइट साइड होगी, इसकी राइट, इस पीस की राइट साइड नहीं, जो आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल स्वेटर हो, केप हो, ब्लैंकेट हो, कुछ भी आप जो शुरू करना चाह रहे हैं उसकी राइट साइड, जो कि ये होती है। बट हम, मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ तो हम काउंट करेंगे राइट साइड से। आपने शुरू जब करेंगे बॉर्डर बनाने का, बॉर्डर जब बन जाएगा उसके बाद आपने एक घर सीधा बुनना है, निट 1, और T2B करेंगे। T2B एब्रिविएशन है इसकी, ट्विस्ट टू स्टिचेस, जिसमें आपने पहला वाला घर पीछे रखना है और पीछे वाला घर पहले बुनना है। तो हम, मैं आपको भी करके दिखाऊंगी T2B। सबसे पहले आपने क्या किया, रो 1 हमारी, हमने सीधी एक घर सीधा बुना और उसके बाद हमने T2B करना है। ये घर पीछे से हम आगे लेके आएंगे, मतलब दो घरों को हमने ट्विस्ट करना है, पहला घर, पहला वाला घर पीछे डाल के, इसे हम कहते हैं T2B। अब पहला वाला घर हम पीछे ले गए और पीछे वाला घर हम आगे ले आए, और अब इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, इसे कहते हैं T2B। अब जो हमारा T2F है, ट्विस्ट टू स्टिचेस, पर जो हमारा पहला घर होगा अब हमने वो आगे करना है और आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे, आगे की तरफ से। T2B में हमने पहला वाला घर पीछे से इस तरफ लेकर आए थे, अब जो T2F है हमारा उसमें हमने ये वाला घर आगे से पीछे लेके जा रहे हैं, ट्विस्ट। यही हमने आखिर तक रिपीट करना है, उसके बाद आखिरी घर बचेगा तो हमने वो सीधा बुनना है, T2B। एब्रीविएशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इनके लिए। T2F मतलब पहला घर आप आगे करके पीछे ले जाएंगे, पहले हमने T2B करना है, पीछे से घर लेकर जाएंगे उल्टे हाथ वाली सिलाई पे और फिर इन दो घरों को बुनेंगे, ट्विस्ट देना है फिर से हमने T2F करके, आगे से ये घर हम पीछे ले जाएंगे और इन्हें बुन देंगे साथ में, और ये आखिरी घर हम सीधा बुनेंगे। अब जो हमारी सेकंड रो होगी, दूसरी सिलाई, हमने सारे घर उल्टे बुनने हैं, पर्ल ऑल,
सारे घर हमने उल्टे बुनने हैं। तीसरी सिलाई हमारी, दूसरी सिलाई हमने उल्टे उल्टे सारे घर बुन लिए, हमारी जो थर्ड रो होगी पैटर्न की उसमें हम एक घर सीधा बुनेंगे। और पहली सिलाई में हमने क्या किया था, पहले टी टू बी किया था फिर टी टू एफ किया था। अब हमने क्या करना है, पहले टी टू एफ करेंगे उसके बाद टी टू बी करेंगे। टी टू एफ मतलब पहला वाला घर आप आगे की तरफ से पीछे ले जाएंगे, ट्विस्ट देम लाइक दिस। और अब टी टू बी, पहला वाला घर आपने बैक साइड से पीछे ले जाना है, इस तरह ट्विस्ट करना है। ये आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे छोटा सा शेप नजर आ रहा है हनी कोम का, बट आप जब थोड़ा सा बुन लेंगे इसे और ज्यादा तो और वाजे नजर आएगा। टी टू एफ टी टू बी पीछे की तरफ से, ये हमारी थर्ड रो है। थोड़ा सा बुन लेने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, आप क्लियरली देख सकेंगे इनके शेप और आपको समझ में आएगा कि आपने आप कौन सा घर कौन से घरों को टी टू एफ वाला ट्विस्ट देना है या टी टू बी वाला ट्विस्ट देना है। फोर्थ रो हमारी चौथी सिलाई पर ऑल स्टिचेस, सारे घर हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे हमने चार सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं, आपको ये राउंड सा शेप नज़र आ रहा है जिस तरह हनीकॉम में होता है। अब जो ये चार सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बुनी हैं वो रिपीट करते जाना है जितनी भी हमें लेंथ चाहिए। मैं एक दफ़ा और आपको रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी हो। रो नंबर वन राइट साइड पहली सिलाई हमारी, नेट वन स्टिच। टी टू बी मतलब पीछे से आप पहला वाला घर आगे ले आएंगे, लेफ्ट एंड नीडल पे इनको ट्विस्ट देके फिर इनको सीधा बुन लेना है। फिर टी टू एफ करना है, आगे से ये घर पीछे ले जाएंगे और इनको बुन लेना है सीधा सीधा। फिर से हमने टी टू बी करना है, जो हमारी पहली सिलाई है पैटर्न की उसमें टी टू बी पहले फिर टी टू एफ, जो हमारी थर्ड रो होगी उसमें पहले टी टू एफ आएगा देन टी टू बी आएगा। टी मतलब ट्विस्ट, टू मतलब दो घर, बी और एफ मतलब पहला वाला घर पहले आपने बैक पे रखना है फिर पहला वाला घर आपने फ्रंट पे रखना है। और इसी तरह आपने ये रिपीट करते जाना है T to F और T to B को। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने अब T to B किया है, यहाँ पे अब T to F करेंगे। डायरेक्शंस आपको समझ में आ जाएंगी एक दफा जब आप सारे घर कुछ लाइनें बुन लेंगे उसके बाद। सॉरी, हमने यहाँ पे अब आपको शेप दिख रहा होगा, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आपको शेप दिख रहे होंगे। हमने इस घर को इस तरफ ये दोनों साइड्स यूं जा रही हैं, तो अब हमने पहले इस तरफ इसे करना है टी टू बी, उसके बाद टी टू एफ आगे से पीछे ले जाना है। आपको वाजे हो जाएंगी दो तीन दफ़ा आप ये चार सिलाइयाँ रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आने लगेगा। आखिरी घर हम सीधा बुनेंगे, आप ये देख सकते हैं शेप,
टी टू बी मतलब इस तरफ आपका जा रहा है शेप, और टी टू एफ मतलब इस तरफ, फिर टी टू एफ, टी टू बी, इसी तरह हमने करते जाना है। सेकंड रो हमारी होगी जो पैटर्न की, वो पर्ल और सीधे घर सारे हम बुनेंगे, उल्टे घर बुनेंगे सारे। यहाँ पे हमने पैटर्न की सेकंड रो बुन ली है। अब जो थर्ड रो होगी पैटर्न की, अब आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन इसकी इस तरफ। अब हमने इसे इस तरफ मोड़ना है, तो हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पे टी टू एफ करेंगे, आगे से घर पीछे ले जाएंगे, फ्रंट साइड से एफ। अब देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, अब टी टू बी करेंगे, आगे वाला घर पीछे की तरफ से पीछे ले आएंगे, ट्विस्ट देंगे इसे। अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्शन अगर इसकी इस तरफ जा रही है, तो हमने टी टू एफ करना है ताकि इस तरफ इस टर्न हो जाए। टी टू बी, निटिंग लैंग्वेज होती है ये, एब्रीविएशंस वगैरह ये आना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू में आप लोगों को ये समझा सकूँ चीज़ें, क्योंकि इसी से ही आप पैटर्न पढ़ सकते हैं कोई भी आपको जो पैटर्न मिल रहा हो। वरना आप कोई भी रिटन पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अब हमारी तीसरी सिलाई पैटर्न की पूरी हुई है। फोर्थ रो जो पैटर्न की होगी हमारी, वो हम सारे घर उल्टे बुनेंगे पर्ल और, दूसरी और चौथी सिलाई हमने हमेशा उल्टे घर बुनने हैं सारे पर्ल और। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये चार रोज दो दफ़ा रिपीट की हैं, और हमें यहाँ पे दो लाइंस मिली हैं हनी कॉम स्टिच की, पैटर्न की, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसी तरह ये आप फोर रोज चार सिलाइयाँ रिपीट कर करके उतना बुने जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, और ये बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टेक्निक समझ में आई हो, टी टू और टी टू एफ और टी टू बी वाली। टी टू एफ का मतलब है अंदर जाएगा, और टी टू बी का मतलब है बाहर जाएगा। ये टी टू बी और ये टी टू एफ, फिर टी टू एफ, देन टी टू बी। तो बस इसी तरह आपने एब्रीविएशन प्लीज़ देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, आपकी हेल्प होगी उससे, और इंस्ट्रक्शन में दे दूंगी ऊपर वीडियो में। एंड ये आपका पैटर्न है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीपल ऑफ फोर आप कितने भी घर डालना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, एंड इसी तरह आप चार चार सिलाइयाँ रिपीट करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।